भारत की पूर्व प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी स्मारक पर अजमेर कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस सेवा दल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन स्थित स्वर्गीय इंदिरा गांधी के स्मारक पर पहुंचकर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित कर स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन शत वंदन, साथ ही हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती पर भी उन्हें हम स्मरण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 में उन्हीं के निवास स्थान पर जब की गई, उस महिला को जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने देश के अंदर आज बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उपक्रम की बात हो, चाहे हमारे श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे हमारे हरित क्रांति की बात हो, सब क्षेत्रों के अंदर उन्होंने चाहे गरीबों का हाथ मजबूत करने की बात हो, सभी समाज धर्म और वर्ग को साथ लेकर चलने की बात हो, इंदिरा गांधी जी को पूरे विश्व ने सराहा। और इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी इसीलिए नहीं कहते थे, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश जो पैदा किया, आज के युग में एक असंभव जो कार्य था, छोटा काम करके बड़ी चीज़ दिखाने वाले हमारे नेता आज देश में बैठे हैं। इतना बड़ा काम करके भी उन्होंने जो है अपनी पूरी प्रशंसा नहीं करवाई, उन्होंने कहा मैं देश के अंदर और विश्व के अंदर सुख शांति चाहती हूँ, सब भाई मिलजुल कर रहें। उनके इस संदेश को हम जो अग्रणी करते हुए हमारे देश के अंदर आप देखें कि उनके हथियारों को जो इंदिरा गांधी जी के हथियार थे उनके प्रति भी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसा द्वेषता नहीं रखी। जिस तरह आज जो है हमारे देश के अंदर माहौल चल रहा है, देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने का, धर्म के नाम पर जाति के नाम पर, ये उन नेताओं के बलिदान के ऊपर एक उनको श्रद्धांजलि नहीं देके उन्हें एक जो है देश के दुख आवास करा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो आपने देश को एक सूत्र में बांधा था उस देश के लिए विभिन्न भागों में बांटने की जो तैयारी पार्टियां कर रही हैं, तो उस पार्टी के लिए भी यही कहूँगा कि भगवान उन्हें संतुष्टि दे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करी है। जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने जो विरोधी ताकतें थी, सांप्रदायिक ताकतें थी, उनसे लड़ करके हिंदुस्तान को एक नंबर बनाया, भारत देश को सर्वोच्च पर पहुँचाया, उन्होंने बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, उद्योगों पर जिस तरीके से जो काम किया, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यों का श्रेय ले रही है, उनका जो नाम चेंज करके अपना श्रेय ले रही है, वो बहुत निंदनीय है भाई। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने जो काम किए, वो काम भारतीय जनता पार्टी को भी करने चाहिए। सबको मिलजुल करके इंदिरा गांधी जी के जो कदमों पर जो 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 लोगों ने साथ सबको साथ लेकर के जो काम करा उसको हम लोगों को आज भी याद करते हैं। और मैं पुणे एक बार सरदार भाई वल्लभ पटेल की जयंती पर उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ और इंदिरा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। Sugar. This black rice has a very unique flavor